सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन वेलकम करता हूं। तो गाइस अभी सुबह ही मैंने वीडियो डाली थी कि कभी भी आपके एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं CTI के। तो गाइस आपके CTI के एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 16 से 17 सितंबर, 2 दिन एग्ज़ाम चलेगा, उसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। जी हाँ गाइस, एडमिट कार्ड आपके आउट हो चुके हैं। सभी लोग जाएँ अपने अपने एडमिट कार्ड चेक करें। अब आपको एडमिट कार्ड कैसे चेक करने वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को पूरी वीडियो अंदर देखनी, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ सके। इसके अलावा गाइस मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ जो कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर के बच्चों के लिए होगी। उसमें आप लोगों का क्या फ़ायदा होगा गाइस कि आप लोग चाहेंगे उस वीडियो को अगर आप देखेंगे पूरा, तो उसमें से ही आपका पूरा पेपर थ्योरी का फंसेगा, यानी कि वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो उस वीडियो का इंतजार करें, कल तक मैं आपकी वो वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो जाएँ और उस वीडियो को जरूर देखें। चले गाइस अब मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूँ और वहाँ जाके आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले चाहूँगा जितने भी दोस्त चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। सो गाइस आपको क्या करना है, देखिए निम्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है जो nimmionlineadmission.in। इस वेबसाइट को आप लोग अपने टाइप करिए कंप्यूटर में, मोबाइल में, और ये आ जाइए। अब देखिए नीचे की तरफ आएंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे CTIS 2020 लॉगिन टू डाउनलोड होम टिकट, यानी कि अगर हॉल टिकट डाउनलोड करनी है आपको तो आपको यहाँ क्लिक करना है। तो देखिए सीधे यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है गाइस। अब देखिए नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज ओपन होते ही आपको देखिए अगेन ये जो जगह है छोटी सी जगह में क्लिक करना है, और अगर कहीं और अगर आप क्लिक करते हैं तो वही दूसरे पेज पे है। अब देखिए यहाँ पे जानकारी क्या दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए थे भाई 27 जून को, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, ठीक है। तो मैं अपनी डिटेल डाल देता हूँ जिसका भी मुझे निकालना है, और फिर यहाँ पर कैप्चा डाल के आप लोग क्लिक कर देंगे। सो गाइस मैंने अपनी डिटेल फिल कर दी है, ठीक है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब मैं सीधे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हो तो नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा, देखिए इस तरह से। यहाँ पे देखिए ये सब सारी जानकारी, आपने रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको नीचे क्लिक करना है इस जगह पर, डाउनलोड हॉल टिकट फॉर CITS एग्ज़ाम, यानी कि इस एग्ज़ाम के लिए आपके हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए क्या प्रोसेस है। तो इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए क्लिक कर देते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरीके से एडमिट कार्ड आ जाएगा। देखिए ये है एडमिट कार्ड इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन के लिए। और चलिए देखिए नीचे आपका सेंटर, जैसे जयपुर राजस्थान में सेंटर आया हुआ है, ठीक है, बयानी गर्ल्स बीएड कॉलेज सेक्टर 4 विद्यानगर अपोजिट MGPS स्कूल अम्बाबाड़ी जयपुर राजस्थान। टाइमिंग देखिए शिफ्ट क्या है आपके इलेक्ट्रीशियन वालों की, 9 से 11 बजे, आपको 8:15 बजे रिपोर्ट करना है और 8:45 पे गेट बंद कर दिए जाएंगे, और आपको यहाँ पे सिग्नेचर करा के लेके जाने हैं। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जो गाइस ये पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन CITS AI CET 2020 स्ट्रिक्टली अडेयर टू और गाइडलाइन के हिसाब से चलना है आपको। कैंडिडेट विदाउट वियरिंग यानी कि फेस मास्क एंड लेटेक्स फ्री पाउडर फ्री ग्लव्स विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इन टू एग्जाम सेंटर, यानी कि विदाउट वियरिंग फेस मास्क के बिना तो जाना नहीं है, और आपके हाथों में जो ग्लव्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए। हैंस ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग द सेम अलॉन्ग विद देम। कैंडिडेट हैविंग एनी सिम्टम ऑफ, अगर किसी भी तरह के आपको सिम्टम होते हैं तो आपको एग्जाम देने नहीं आना है, ये चीज़ ध्यान रखें, और आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल रखें। कैंडिडेट मस्ट एंश्योर फिजिकल डिस्टेंसिंग एट द एंट्री गेट, एंट्री गेट के पास भीड़ ना जमाएं। एट द एंट्रेंस ऑल कैंडिडेट विल गो थ्रू अ सिक्योरिटी चेक, आपको एक चेक ले जाएगा जहाँ पे आपको आपका एडमिट कार्ड और आपको वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना पड़ेगा गाइस। यानी कि देखिए आपको ये चीज़ ध्यान रखेंगे, आपको विदाउट फेस मास्क और विदाउट ग्लव्स तो एंट्री मिलेगी ही नहीं, तो ये बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है जो कि आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा सारी गाइडलाइन नॉर्मल है। देखिए आपको ब्रिंग दिस एडमिट कार्ड विद फोटो आईडी प्रूफ, यानी कि इस एडमिट कार्ड के साथ आपको फोटो आईडी प्रूफ ले जाना है ओरिजिनल विद अ फोटो कॉपी ऑफ द सिम, यानी कि आपको आपके आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी लेके जानी है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, बाकी के इंस्ट्रक्शन आप केयरफुली पढ़ लेंगे, ठीक है, ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो रेगुलर होते हैं वही हैं। हाँ अगर जो बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो उसको पढ़ना आवश्यक है। तो गाइस इतनी ही जानकारी आपके लिए आई होप बहुत है। सो देखिए गाइस अब आपको क्या करना है, सिर्फ इंतजार करना है, कल जो मैं वीडियो डालूंगा आपके लिए CITS इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे फिटर वाले बच्चों के लिए, वो आपको देखनी है, उसी में से आपका पूरा पेपर आने वाला है। सो गाइस पूरी अच्छी तरीके से जितना हो सके तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम सिर्फ आने वाला है। ओके गाइस अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।